Class 7, how are you? You are fine. Okay. Science के chapter 1, food. की last video में हम लोग modes of nutrition तक complete कर चुके हैं. Okay? जिसमें autotrophic nutrition और heterotrophic nutrition के बारे में हम पढ़ चुके हैं. उसके बाद herbivorous, carnivorous, omnivorous इनके बारे में भी बहुत अच्छे से study कर चुके हैं. और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. ओके, चलिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस. ओके, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया था. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? एक्चुअली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड है उसे खुद बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से. और वो सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल. ओके, तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस by which green plants make their food by simpler inorganic substances is called photosynthesis. Okay? Photosynthesis में carbon dioxide plus water, sunlight and chlorophyll इनकी presence में जब इनके बीच में reaction होती है then glucose एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड. ओके, तो दिस इज वर्ड इक्वेशन. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वॉटर, सनलाइट की प्रेजेंस में लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वहां पर जब इनके बीच में रिएक्शन होती है तब ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनता है. ओके, जो ग्लूकोज है दिस इज फूड जो कि लीव्स में, फ्रूट्स में और बहुत सारे प्लांट्स में स्टेम में ये स्टोर हो जाता है. ओके, इस वर्ड इक्वेशन को हम इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं. एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2. ओके, CO2, H2O. आप देख रहे हो यहाँ 6 CO2. तो ये जो 6 और इधर 6 लगा हुआ है ये बैलेंस करने के लिए है. 6 CO2 plus 6 H2O gives, ये जो एरो का साइन है इसे हम gives बोलते हैं. सनलाइट, क्लोरोफिल इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है. देन ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज है. ओके, एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड. ओके, तो नाउ This is process of photosynthesis. Okay? आपको ये reactions learn कर लेनी है, बहुत अच्छे से learn कर लेनी है. 6 CO2 plus 6 H2O gives sunlight, carbon, chlorophyll की presence में ये reaction होती है, इसलिए हम arrow के ऊपर और नीचे से लिख सकते हैं. Gives में क्या क्या product बनते हैं? Glucose and oxygen. Okay? अब हम ये देखेंगे ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये कब कम या ज्यादा हो सकता है. मींस फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. ओके, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो लाइट इंटेंसिटी, नेचर ऑफ लाइट, CO2 एंड वाटर एंड टेम्परेचर. ओके, लाइट इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इफ लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आल्सो इंक्रीज्ड. मींस यदि लाइट ज्यादा होगी ओके, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी बढ़ेगा. लेकिन बहुत ज्यादा लाइट होने पर ये जो प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट हो जाता है. ओके,
नेचर ऑफ लाइट की हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्लू एंड रेड कलर की ये लाइट और फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होती है, बट इसके अलावा अदर कलर्स की यदि लाइट किसी प्लांट्स पर पड़ती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, CO2 एंड वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस यदि कम या ज्यादा होता है तो रेट भी कम या ज्यादा रहेगी फोटोसिंथेसिस की। वाटर का वॉल्यूम भी यदि कम या ज्यादा होता है तो भी फोटोसिंथेसिस कम या ज्यादा रहेगा। मींस CO2 इंक्रीज होने पर रेट इंक्रीज हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज हो जाएगी और कम होने पर कम हो जाएगी। टेम्परेचर, जनरली टेम्परेचर का वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता बट प्लांट टू प्लांट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेराइज करती है। ओके, दीज आर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको पिक में दिखा देता हूं कि किस तरीके से आप फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझ सकते हो। ओके, देखिए यहां आप एक प्लांट का डायग्राम देख रहे हो, इसमें फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस दिखाया गया है। ओके, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, आप देख रहे हो कि ये सनलाइट और सनलाइट आ रही है, CO2 एनवायरनमेंट से है, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है लीव्स में। ओके, और यहाँ जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है तो वहां से ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीजन भी बनती है जो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है, और जो वाटर है वो रूट्स के थ्रू आता है, ठीक है। ओके, नाउ हम ये सीखेंगे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल ये प्लांट को मिलते कैसे हैं। हाउ द प्लांट्स गेट CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट CO2। तो CO2 एक्चुअली प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोस्फियर, इसे प्लांट्स एटमोस्फियर से लेते हैं थ्रू स्टोमेटा। एक्चुअली स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग इन द लीव्स। हमने देखा है कि लीव्स बहुत सारे टाइप की होती हैं, तो जो ब्रॉड लीव्स होती हैं जनरली उनके लोअर सरफेस पर स्टोमेटा होते हैं, लेकिन जो नैरो लीव्स होती हैं उनके अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों पर स्टोमेटा होते हैं, और कुछ ग्रीन प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, उनके स्टेम पे भी स्टोमेटा होती है। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग ये CO2 को लाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो जो CO2 है वो स्टोमेटा के थ्रू और प्लांट्स उसको अंदर लेते हैं। ओके, मैं आपको पिक में दिखाता हूं कि किस तरीके से स्टोमेटा कैसा होता है और किस तरीके से CO2 उसके अंदर जाती है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए दिस इज पिक ऑफ स्टोमेटा। ओके, तो यहां पर ये स्टोमेटा ओपन है, ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज स्टोमेटा है। तो आप ओपन स्टोमेटा में देखोगे कि इसकी जो गार्ड सेल है, ये एक्चुअली गार्ड सेल है, तो गार्ड सेल में जब वाटर फिल हो जाता है तो अपने आप इसका मुंह ओपन हो जाता है, माउथ ओपन हो जाता है, या इसलिए इसको हम ओपन स्टोमेटा बोलेंगे। स्टोमेटा प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म स्टोमा। ओके, तो जब ये ओपन होता है तो CO2 गैस एंटर करती है और जो ऑक्सीजन जो बनती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो बाहर निकलती है, ठीक है। यहां पर जब वाटर लूज हो जाता है तो ये क्लोज हो जाता है। ओके, तो ये दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, और ये आप देख रहे हो पिक लीव्स में दिखाया गया है कि सनलाइट, लाइट एनर्जी है वो सन से आती है। ओके, और जो CO2 है वो यहां स्टोमेटा में आप देख रहे हो, बहुत छोटा स्टोमेटा से दिखाया CO2 किस तरीके से अंदर आ रही है, और जो वाटर है वो रूट्स से लीव्स के थ्रू वाटर आता है,
और क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हमें प्लांट्स को मिल जाती हैं।